इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही है, सैफ और करीना वेकेशन ट्रिप की वजह से अंबानी फैमिली के ग्रैंडेस्ट वेडिंग सेरेमनी अनंत राधिका की वेडिंग सेरेमनी को मिस करते नजर आए, जिससे उनके फैंस उनके रॉयल लुक को देखने का इंतज़ार करते रह गए। उनका इंतज़ार पूरा नहीं हुआ। इस बीच आपको पता ही है, बच्चन फैमिली ने अंबानी हाउस में अलग अलग एंट्री की। ऐश्वर्या आराध्या फैमिली के साथ नहीं थी, अभिषेक ऐश्वर्या के साथ एंट्री करते नज़र नहीं आए थे, जिसके बाद जो हैं अफवाहें ये उड़ी कि ज़रूर इनका डाइवोर्स तक रिश्ता पहुँच रहा है। वैसे डाइवोर्स से जुड़े पोस्ट भी अभिषेक ने बीच में लाइक कर डाइवोर्स से जुड़ी अफवाहों को हवा दी है। वहीं आपको बता दें, ऐश्वर्या अभिषेक का अभी तलाक हुआ नहीं, सिर्फ चर्चाएं हैं। तो इस बीच सैफ और करीना के तलाक पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है, क्योंकि इनका झगड़ा तलाक तक पहुंच जा रहा है। क्यों आखिर ऐसा कहा गया, हम आपको बता दें, हाल ही के कन्वर्सेशन में करीना ने बताया कि सैफ से उनका रिश्ता इस कदर बिगड़ जा रहा है कि मामला तलाक तक पहुंच सकता है अगर समय रहते नहीं सुधारा गया। जी हां, करीना और सैफ जो कि तलाक की खबरों के बीच अब बने हैं, आपको इसके पीछे का कारण बता दें। जी हां, आपको बताना चाहेंगे, हमारे इस रिपोर्ट में करीना ने सैफ के साथ होने वाले झगड़ों को लेकर खुलकर बात की और उन्होंने ये बताया कि दोनों के बीच कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़े होते हैं जिसे सॉल्व करना आसान नहीं है। 12 साल पूरे होने वाले हैं सैफ करीना के रिश्ते को भी, पेरेंट्स बन चुके हैं वो दो बच्चे के, तैमूर और जय के, फिर भी इनकी लड़ाई कम नहीं होती। बेबो ने बताया, प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना आसान नहीं है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में दोनों एक दूसरे को पूरा तो करते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, लेकिन परेशान भी एक दूसरे से हो जाते हैं। जी हाँ, करीना कपूर खान ने यह बताया है कि सैफ अली खान पटौदी के साथ उनका झगड़ा कैसे काफ़ी बुरी तरीके से बढ़ चुका है। हमारे इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे, करीना ने कहा, कई बार ये मुश्किल हो जाता है कि कैसे हम झगड़े को सॉल्व करें। उन्होंने कहा, वो और सैफ दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हैं, अगर थोड़ा भी परेशान वो होती हैं तो सैफ उन्हें संभालते हैं, और जब सैफ होते हैं तो वो सैफ को परेशान देख उन्हें संभालती है। वो करीना कपूर खान ने ये भी बताया, कई बार ऐसा भी होता है कि एक दूसरे को संभालते हुए दोनों एक दूसरे से झगड़ जाते हैं। हमारे इस रिपोर्ट में आपको बता दें, करीना कपूर खान ने कहा, दोनों एक घर में होकर भी कई बार काफ़ी दिनों तक एक दूसरे को देख तक नहीं पाते। करीना ने कहा, कई बार ऐसा होता है कि वो और सैफ एक घर में रहकर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते, रिश्ते में दूरियाँ भी कारण हो जाती है एक दूसरे से प्यार कम होने की। काम की वजह से ही दोनों की शिफ्ट इतनी अलग हो जाती है कि करीना ने ये भी माना कि कभी कभी उनके काम और रिश्तों पर काफ़ी तनाव भरा असर पड़ता है। काम की वजह से भी रिश्ते में तनाव बढ़ जाता है और इससे मुश्किल हो जाता है उनके लिए रिश्ते संभालना। उनका कहना है कि सुबह 4:30 पर जब वो घर आए तो वो देखती हैं कि सैफ सो रहे होते हैं, फिर वो शूटिंग के लिए चले जाते हैं और तब करीना सो रही होती है, इसी कारण दोनों के बीच कन्वर्सेशन कम हो जाती है। आजकल देखा जाए बॉलीवुड में तलाक बहुत आम है, इसके पीछे कारण कम्युनिकेशन गैप भी है। रिश्ते में दूरियों का सबसे बड़ा कारण कम्युनिकेशन गैप होता है, और कम्युनिकेशन गैप के पीछे का कारण पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की चुनौती हो जाती है। करीना ने कहा, कई बार ये मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद दोनों ही बैठते हैं और कैलेंडर देखते हैं, फिर दिन तय करते हैं और फिर उस दिन दोनों घर पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इन दोनों वैकेशन पर लंबे समय से सैफ करीना इसलिए भी हैं क्योंकि वाकई में रिश्ते में दूरियाँ और काम की वजह से तनाव के कारण उनका रिश्ता कहीं तलाक तक ना पहुंच जाए। वो इसलिए डरते हैं एक दूसरे को खोने से, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे को समय देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा। सारे काम और सारे इन्जॉयमेंट को भूलकर अंबानी परिवार के वेडिंग फंक्शन को भी उन्होंने इसीलिए मिस किया, कहा यह भी जा रहा है। करीना कपूर खान ने यह भी खुलासा किया कि एक दो नहीं कई चीज़ों को लेकर सैफ और उनके बीच झगड़े होते हैं, लेकिन बहुत ही छोटी चीज़ों पर होती हैं। लेकिन करीना ने माना है कि आजकल तलाक की वजह भी काफ़ी छोटी होती है। छोटे छोटे झगड़े कब काफ़ी बड़े झगड़े में तब्दील हो जाए अंदाज़ा नहीं लग पाता।
था। जी हाँ, क्रू एक्ट्रेस ने बताया कि इन दोनों इसी के टेम्परेचर को लेकर भी एक्टर और एक्ट्रेस के बीच ही नहीं कई कपल्स के बीच झगड़े इस कदर बढ़ जा रहे हैं कि तलाक तक मामला पहुंच जा रहा है। आए दिन ये कहा जा रहा है। करीना कपूर खान ने बताया कि वो ने कहा 20 डिग्री जब उन्हें चाहिए होता है तो सैफ को इतनी गर्मी लगती है कि वो 16 डिग्री सेल्सियस चाहते हैं। इस कारण बेडरूम की लड़ाई काफ़ी बड़ी हो जाती है, तनावपूर्ण माहौल बढ़ जाता है क्योंकि काम से थक कर बहस करने की हिम्मत नहीं होती, ना ही एक दूसरे को मनाने की, और फिर नाराज़ एक दूसरे से होकर प्यार कम हो और उसके बाद रिश्ते तो तलाक तक पहुंचेंगे ही। करीना ने कहा कि तलाक के डर से ही दोनों एक दूसरे से समझौते के लिए तैयार हुए। समझौते पर बात आती है तो दोनों 19 पर समझौता कर लेते हैं। करीना ने कहा कि एसी के टेम्परेचर के कारण लोगों का तलाक हुआ है, उन्हें पता है। और करिश्मा उनकी बहन जब घर आती है, डिनर कर रहे होते हैं तो उनकी बहन चतुराई से तापमान 25 कर देती है। सैफ फिर कहते हैं भगवान का शुक्र है कि मैंने बेबो से शादी कर ली, क्योंकि कम से कम उसने 19 पर समझौता को तो कर लिया। इस तरह से दोनों के बीच समझौते की वजह से रिश्ता टिका हुआ है। करीना ने ये भी कहा कि टाइम को लेकर झगड़े काफ़ी बड़े होते हैं उनके और उनके पति के बीच। जी हाँ, एक दूसरे को समय न देना सबसे बड़ी वजह बन जाती है एक दूसरे से नाराज़गी की। अंदर ही अंदर मन नाराज़ रहता है, चिड़चिड़ापन होता है और रिश्ते में इसका बुरा असर पड़ता है। करीना सैफ साल अक्टूबर में अपनी 12वीं वेडिंग एनिवर्सरी इस साल मनाएंगे। दोनों के बेटे तैमूर और जे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं और करीना भी अब अपने बच्चों को फुल फ्लेज अपने स्कूलिंग के लिए छोड़ अपनी लाइफ और अपने वर्क फ्रंट पर ज़्यादा फोकस्ड है। इस बीच सैफ अली खान भी अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर व्यस्त रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने तय किया है कि काम की वजह से व्यस्तता और एक दूसरे से दूर रहने की वजह से अपने रिश्ते को टूटने से अगर बचाना है तो वेकेशन ट्रिप समय रहते करना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर आपने देखा होगा तो सैफ और करीना एक दूसरे के साथ वेकेशन के लिए अक्सर दिखाई देते हैं साथ फॉरेन ट्रिप करते हुए, या तो फिर मुंबई से दिल्ली गुड़गांव में जो पटौदी पैलेस है वहाँ भी सैफ करीना पूरे फैमिली के साथ फैमिली वेकेशन ट्रिप मनाते नजर आते हैं। इस बीच करीना तनावपूर्ण माहौल से बचने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ पजामा पार्टीज भी अक्सर करती नजर आती हैं और सैफ अली खान बुक के साथ अपनी जिंदगी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से की रिपोर्ट के साथ बताते चले दोस्तों, बॉलीवुड की वो करीना सैफ अली खान की जब पत्नी बनी थी लव जिहाद के मामले को लेकर उन्हें काफ़ी निशाने पर लिया गया था। हालांकि उस जमाने में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, लोगों के हाथों में इतने आसानी से डाटा नेटवर्क और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म नहीं थे जिस कारण दोनों ट्रॉल नहीं हुए। हालांकि बेटे के जन्म के बाद दोनों को काफ़ी निशाने पर लिया गया था।